देखो, एक साल के लिए सब छोड़ दो, ठीक है? अपने साये से बात मत करो बिल्कुल भी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो जिम चले जाओ। जिम अगर नहीं करना चाह रहे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी चले जाओ, ठीक है? बट एक साल के लिए संन्यास लेना पड़ेगा। एक साल के लिए सबसे कट ऑफ करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के जाएगा। छोड़ने दो, जाने दो उनको। एक साल बाद देखना तुम, तुम्हें वो रिटर्न में मिलेंगे ब्याज के साथ। सच बता रहा हूँ। एक बार तुम सक्सेसफुल हो जाते हो ना, लोग तुम्हारे पास खुद आते हैं। तुम्हें किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लो। आज जिस चीज़ के लिए तुम भाग रहे हो ना, उसकी शादी भी हो जाएगी तो भी वापस आएगी। डाइवोर्स होते हैं ना, ठीक है? तो उस तरीके से अपना माइंड बना के रखो कि एक साल के लिए मुझे अपने साये से बात नहीं करनी है। मुझे बस अपनी NCERT, जिम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ नहीं करना है। और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, अपने क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, नथिंग एल्स। और देखना एक साल के बाद तुम्हारा जो अभी जहाँ पर तुम जिस लेवल पर हो, उसके बाद एकदम से कैसे जंप आता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा वो चीज़। अगर तुम एक साल के लिए कर लेते हो, जाओ कर लो। ऑल द बेस्ट।